हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस ग्लिटरी ऑरेंज ब्लैक आई मेकअप लुक। बहुत ही अप्रोप्रिएट है फॉर पार्टीज एंड वेडिंग गेस्ट। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। सो अगर आपको देखना है कैसे इसको क्रिएट करना है इजी वे में, देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा नीचे में। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आई मेकअप के बेस के लिए मैं सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करूंगी एंड इसके बाद मैं जो पैलेट आज यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट। और इसमें से मैं सबसे पहले ब्लैक शेड को अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करूंगी। सो नॉट नेसेसरी आपको इसी पैलेट से ये आई मेकअप क्रिएट करना है, आप कोई और भी पैलेट ले सकते हो जिसमें आपको बर्न्ड ऑरेंज एंड ब्लैक शेड हो। तो सबसे पहले मैं ब्लैक शेड के साथ एक विंग आईलाइनर काइंड ऑफ क्रिएट करूंगी आउटर वी पे। यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर पे एक टेप लगाई हूँ, इससे मुझे शार्प एजेस मिलेगा और बहुत ईजीली ये आई मेकअप लुक क्रिएट होगा। नेक्स्ट मैं एक पेंसिल ब्रश लूंगी और उसमें मैं ये डार्क ब्राउन काइंड ऑफ ऑरेंजी ब्राउन काइंड ऑफ कलर को लेके प्लेस करूंगी और इसको मैं प्लेस करूंगी ब्लैक शेड के बाद में। तो आउटर वी टू मिड आईलिड तक मैं इसको प्लेस कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं इसको ब्लेंड भी करूंगी क्रीज पे। तो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे मैं आई शेप को मेंटेन की हूँ, ये भी एक तरीका होता है आई मेकअप का। नेक्स्ट मैं लाइट गोल्डन शेड को अप्लाई करूँगी अपने फ्रंट सेक्शन पे। सो इनर वी पे मैं अप्लाई करूँगी गोल्ड शेड को एंड इसको मैं एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। ये रैंडम कोई ब्रांड का पेंसिल ब्रश है। नेक्स्ट मैं ग्लिटर अप्लाई करूंगी एंड द ग्लिटर इज फ्रॉम एक्सपोज और इसमें मेरा शेड है 15। सो ये प्रेस्ड ग्लिटर है एंड बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत बजट में आपको ये ग्लिटर मिल जाता है। सो एज पर योर चॉइस आप कोई भी ग्लिटर शेड ले सकते हो। तो ग्लिटर लगाने पे थोड़ा सा फॉल आउट होता ही है, यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ है। सो इसके बाद मैं क्लीन कर लूंगी विथ कंसीलर एंड नेक्स्ट मैं लैश लाइन के क्लोज ब्लैक शेड को फिर से अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको एज ए लाइनर काइंड ऑफ अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक शेड को एंड इसको कनेक्ट कर लूंगी आउटर वी के साथ ताकि ये यू नो सीमलेस लगे, ब्लेंडेड लगे। एंड सेम ब्लैक शेड को मैं लोअर लैशेस पे भी क्लोज अप्लाई करूंगी, सो थोड़ा सा स्मोकीनेस दिखाने के लिए यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। नेक्स्ट मैं वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम लैक्मी आइकॉनिक काजल। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर से इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ की हूँ मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा, वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा। इसके हेल्प से मैं अपर एंड लोअर लैशेज पे कोट कर लूंगी। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा जेल आईलाइनर अप्लाई करूंगी, पहले वाटर लाइन को थोड़ा सा और डार्कन करूंगी एंड देन इनर कॉर्नर पे मैं पॉइंटेड इनर कॉर्नर क्रिएट करूंगी। सो जेल आईलाइनर से बहुत इजीली क्रिएट होता है और अदरवाइज आप पेन आईलाइनर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजीली आप पॉइंटेड इनर कॉर्नर क्रिएट कर सकते हो, जस्ट ओनली थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना है आपका आईलाइनर को इनर कॉर्नर के तरफ एंड देन ज्वाइन कर लेना है आपके लोअर वाटर लाइन के साथ। जस्ट वही की हूँ मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं फॉल्स आईलैशेस के लिए अप्लाई की हूँ पैक का N73 फॉल्स आईलैशेस एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा ये ट्यूटोरियल एंड हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। सो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।